हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? मैं और मेरे बच्चे ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होगी अपने घर में। आज संडे का दिन है और मैं अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं टीवी भी देख रही हूँ। टीवी देखते देखते ये जो मेरी 8 दिन की मलाई इकट्ठी थी, तो मैंने सोचा इसे मक्खन निकाल लेती हूँ। और मेरी बेटी यहीं बैठी अपना वर्क भी कर रही थी, उसका कुछ रिटेन वर्क बाकी था तो वही लिख रही थी। और मैंने ये मक्खन निकाल लिया। मैंने अपने बेटे से पानी मंगाया था तो उसने पानी ला के दिया 1 गिलास, और इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से निकल आए इसका मक्खन, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी हो जाती है मलाई। तो बस उसके बाद फिर मैं अपने आगे के सारे काम करूँगी। और मैंने अभी काफ़ी काम निपटा लिए हैं, तो मैंने सोचा नहाने जाने से पहले ये काम निपटा लूँ अपने। ये भी ज़रूरी है क्योंकि करना तो है ही है। काफ़ी दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है, अगर ज़्यादा दिन रख दो तो फिर इसके नीचे का जो दूध बचता है वो किसी यूज़ पे नहीं आता है। तो इसीलिए मैं हमेशा 7-8 दिन में ही मक्खन निकाल लेती हूँ। बेशक मक्खन से घी ना निकालूँ पर दूध से मक्खन ज़रूर निकाल लेती हूँ। और देखिए, यहीं पर आप लोगों से बात करते करते मैं टीवी देखते देखते मैंने मक्खन भी निकाल लिया। और बस अब बस इसको एक अलग कटोरी में सेपरेट कर लूँगी। और बस यही काम करने के बाद फिर मैं अपने आगे के काम सारे निपटाऊँगी। पहले मैंने सोचा कि बाकी काम करते करते घी भी पक जाएगा साथ ही साथ। तो ये देखिए, मैंने मक्खन भी अलग सेपरेट कर लिया है और ये इससे निकला हुआ दूध है। और इस दूध से मैं आज पनीर बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। मैं तो अक्सर बनाती हूँ पर मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया, तो आपके साथ मैंने सोचा शेयर करती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। और मैं किचन में अब आ चुकी हूँ। और मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैंने कढ़ाई रख दी गैस पर और गैस ऑन कर दूँगी मैं। देखिए, गैस मैंने ऑन कर दिया और ये मक्खन मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में, ताकि ये पकती रहेगी धीरे धीरे। और तब तक फिर मैं उधर फिर दूध भी गर्म करने को चढ़ाऊँगी। ये मक्खन मेरा घी बन जाएगा इधर तब तक, क्योंकि किचन में रहो ना, इस तरह के काम ऐसा होता है ना कि अगर आप छोड़ के चले जाओ तो कभी जल जाते हैं या कभी कोई उबल गया कुछ। तो इसीलिए ऐसे काम करो तो किचन में रहना ही चाहिए। तो अब मैं इस पतीले में ये दूध ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको गर्म करूँगी, एक बॉयल आने तक इसको गर्म करूँगी मैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैंने कभी भी आज तक दूध फेंका नहीं या कभी बेकार नहीं हुआ मेरा दूध, क्योंकि मैं 6-7 दिन के अंदर ही मक्खन निकाल लेती हूँ। और जो भी वेस्टेज बचता है, तो चाहे उससे थोड़ी, चाहे 100 ग्राम ही पनीर निकले, पर निकाल लेती हूँ मैं। कभी दही भी जमा देती हूँ, बट अब आजकल मैं पनीर ही निकाल रही हूँ। तो देखिए, मेरे दूध में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है और मैं अब गैस को ऑफ़ कर दूँगी। और बस मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर मैं इसका निकालूंगी पनीर। तो तब तक मैं इधर घी को चला लेती हूँ। अब मैं अलमारी से विनेगर निकाल लूँगी और विनेगर निकालने के बाद एक कटोरी में पानी डालूँगी। और मैं क्या करती हूँ, उसमें विनेगर तो एक ही ढक्कन डालूँगी लेकिन पानी रखूँगी इससे डबल ट्रिपल, क्योंकि ये जो दूध है इसकी हीटनेस अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी उससे कम भी हो जाती है। तो मैं इधर कटोरी में पानी लेने चली गई थी बॉटल रख के, इसलिए आपको दिख नहीं रही हूँ। और गाइस, हम औरतें होती हैं ना कि कोई भी चीज़ बिगड़ने नहीं देते हैं, कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम। तो बस ऐसा ही मैं करती हूँ। मैंने देखी कटोरी में पानी ले लिया है और मैं इसमें एक ढक्कन विनेगर डालूँगी। ये देखिए, मैं एक ढक्कन विनेगर डाले ले रही हूँ। और ये वाइट विनेगर है, मैं इसको हमेशा घर में रखती हूँ क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ काम आता है। कभी कोई चीज़ दाग में दाग धब्बे लग जाए, कुछ क्लीनिंग करनी हो तो उसमें भी यूज़ आता है। और मैं इसका एक सोल्यूशन भी बना के मैंने रखा जो प्लेटफॉर्म क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो चलिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और इस तरह चमचे से हिला दूँगी। तो उससे क्या होगा कि ये अच्छी तरीके से फटेगा। और बहुत इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, एक साथ नहीं पूरा डालना। और देखिए, फटना स्टार्ट भी हो गया। अब मैं इसमें पूरा डाल दूँगी। और मैंने पानी इसमें ज़्यादा इसलिए रखा था ताकि ये जो दूध का टेम्परेचर है थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और देखिए, ये अच्छी तरीके से मेरा पनीर फट चुका है। और मैं अब इसको क्या करूँगी, एक छन्नी में इसको सेपरेट कर लूँगी। और मैं इसको कपड़े में इसलिए नहीं बांध के हैंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज बनाने हैं पराठे पनीर के। तो मेरे पास कुछ आलू बॉयल रखे हुए हैं और यही आलू और प्याज सब मिक्स पराठे बनाऊँगी। पनीर भी डालूँगी, प्याज और आलू सब चीज़ मिक्स बनाऊँगी। उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो
तो चलिए मैं छन्नी ले लेती हूँ और उसके बाद बस मैं इसमें मोटा मोटा सारा निकाल लूँगी। उसके बाद फिर बाद में इसका पानी ड्रेन करूँगी। तो चलिए इसको मोटा मोटा निकाल लेती हूँ मैं। और फ्रेंड्स आप देखिएगा, अब ये देखते देखते 100-150 ग्राम पनीर बड़ी आसानी से निकल आता है। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ मैं। और बस मैंने इसी तरह करके सारा पनीर निकाल लिया था। और गाइस बीच में मेरे चाचा जी का कॉल आ गया था, इसलिए कुछ चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं उनसे बात करने लगी थी क्योंकि वो मेरे चाचा जी भी SF में हैं, तो वो वहाँ बॉर्डर में रहते हैं, तो वहाँ से कॉल करते हैं। अगर करते हैं ना अटेंड करो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो इतनी दूर रहते हैं। तो भाई अगर वो हमें इम्पोर्टेंस देते तो हमें भी उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और सच बताऊँ आपसे, जब से मेरे पापा बीमार हुए हैं तो अब बस ये हमारे चाचा जी लोग ये भी हमारे फादर की तरह ही हैं। तो देखिए मैंने जो पानी ड्रेन किया था वो आपको नहीं दिखा पाई थी इसी चक्कर में। और फाइनली देखिए मेरा पनीर रेडी हो गया है। तो चलिए गाइस मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। और इस पनीर से मैं क्या बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मेरी पनीर बनाने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आए तो जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिए।